सब्सक्राइब कीजिए बजीज पेरेंट्स ट्रेडर्स को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आपको मेरी वीडियोस मिले सबसे पहले। हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब खैरियत होंगे, फिटफाट होंगे। भाई आज यासिर भाई के सेटअप में आए, रैबिट्स का इनका सेटअप है, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त सेटअप है इनका। इंपोर्टेड ब्रीड्स है सारी इनके पास, ठीक है। इनसे इंशाल्लाह पूछेंगे कि कौन कौन सी ब्रीड इन्होंने रखी हुई है, और आपको ब्रीड्स भी दिखाएँगे, उसकी जो उनके जो बच्चे निकले हुए हैं वो भी आपको दिखाएँगे, और किस तरीके से ये ब्रीड कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, वो भी इंशाल्लाह आप लोगों को सारी चीज़ें दिखाएंगे। तो चले यासिर भाई से बात करते हैं कि इनके पास कौन कौन सी ब्रीड्स हैं और क्या तरीक़ेकार हैं उनको रखने का, और मतलब इनकी सारी जो है वो ब्रीडिंग प्रोग्रेस वगैरह ये सारी आपसे इंशाल्लाह शेयर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम यासिर भाई। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? खैरियत से? ठीक ठाक है। अच्छा, जैसा कि माशाल्लाह हमने दो वीडियो आपकी पहले भी बना चुके हैं, ठीक है, तो दो वीडियो के बाद अब जो है वो क्या क्या डिफरेंट चीज़ें आप जो है वो लेकर आए? इस वक्त मेरे पास लॉब्स की वैरायटी है, टेडी बियर ड्वार्फ आए हुए हैं, कुछ इंग्लिश अंगोरा हैं, वियाना हैं, और आज मैं चाह रहा हूँ कि हम बात करें कि किस तरह इनका इनको रखना कैसे। जी हाँ सर भाई, इस वक्त मेरे पास नीदरलैंड मार्टिन है, टेडी बियर ड्वार्फ लॉब्स की वैरायटीज़ मौजूद हैं। जी जी, तो आज मैं आपको दिखाऊंगा कुछ वैरायटीज़ और इनको फिर हैंडल कैसे करना है, इनको रखते किस तरह से हैं, ठीक है, तो उसके बारे में इंशाल्लाह मैं आपके साथ बात करता हूँ। चले चले, ठीक है। सबसे पहले आप क्या कौन सी वैरायटी दिखाएंगे? मैं आपको टेडी बियर ड्वार्फ दिखाता हूँ। अच्छा यासिर भाई, कौन सा ये? ये टेडी बियर ड्वार्फ फीमेल है। अच्छा, आप इसकी क्वालिटी देखें, ये अभी 4 मंथ्स की। टेडी बियर का नाम क्यों इसमें दिया हुआ है? ये असल में लॉयन हेड की एक्सट्रीम क्वालिटी और ड्वार्फ छोटी ब्रीड को टेडी बियर ड्वार्फ कहा जाता है। अच्छा, यानी ये छोटी ब्रीड है, इसमें ये बड़े नहीं होते। सही, ये इसका मैक्स साइज है माशाल्लाह। इसका फेस तो बिल्कुल वो टेडी बियर जैसा ही है जी। अभी ये और छुप जाएगा, आंखें फुल कवर्ड हो जाएंगी, अभी ये 3.5 से 4 महीने की है। अच्छा माशाल्लाह, एडल्ट हुई है अभी? नहीं हुई है। नहीं, अभी इसको तकरीबन 1-1.5 महीना लगेगा। फुल एडल्ट कितने टाइम? 5 महीने के बाद हो जाते हैं। 5 महीने में एडल्ट हो जाती है जी। माशाल्लाह, अभी आपने इसको अलग रखा हुआ है? जी, अभी तैयार कर रहे हैं ताकि ये फिर ब्रीड के लिए तैयार हो जाएगी, देन फिर इसको मेल के साथ छोड़ेंगे। ठीक है माशाल्लाह। अच्छा, इसके आप प्राइस के हवाले से अगर बात करें तो कितने का पेयर मिल जाता है इसका? ये 1,20,000 के अराउंड पेयर होता है एडल्ट। सही, ठीक है। इसके बच्चे जो हैं 55-60 हज़ार, यानी 50 से 60 हज़ार के दरमियान इसके बच्चे होते हैं, डिपेंड ऑन क्वालिटी। सही है, पेयर जो है। जी हाँ, ये देखिए व्यूअर्स, माशाल्लाह न्यूजीलैंड मार्टिन का पेयर है ये, ठीक है। अच्छा, ये दोनों के कलर डिफरेंट है? जी, ये नीदरलैंड मार्टिन है, बेसिकली इंपोर्टेड पेयर है। कान में इनके आप टैटू भी देख सकते हैं, बेल्जियम से इंपोर्ट करवाया था। सही है। और दूसरा ये जो ब्लैक है ये मेल है, और सिल्वर जो है वो फीमेल है। अच्छा, तो इसमें सिंगल कलर्स भी आते हैं और डबल कलर्स भी आते हैं। सही, तो डबल कलर और सिंगल कलर का पेयरिंग करने में क्या मतलब कोई फ़ायदा है, या किस तरीके से खूबसूरत लगते हैं, क्या ये बच्चे मतलब? अगर हम डिफरेंट कलर के साथ लगाते हैं ना, तो इसमें बच्चों में वैरायटी ऑफ कलर्स हमें मिल जाती है। अच्छा, अगर सेम कलर्स लगाएंगे तो वैसे ही बच्चे निकलेंगे। सही है। अच्छा, अगर डिफरेंट दो माँ बाप अलग होंगे तो बच्चे कलरफुल निकलेंगे, बच्चे ज़्यादा और कलर्स में वापस आ जाते हैं। तो अच्छा, इसकी फिर कलर्स में जो आ जाते हैं बच्चे, तो फिर उनके बच्चों की कीमत कम या ज़्यादा? नहीं, इसके अंदर तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, नीदरलैंड मार्टिन हर कलर में अच्छा होता है, बस पॉइंट्स पूरे होने चाहिए इसके। अच्छा, पॉइंट्स का क्या होते हैं? यानी शॉर्ट बॉडी हो, कान ज़्यादा बड़े ना हो। अच्छा, शॉर्ट नेक हो, इस तरह से उसके पॉइंट्स होते हैं, उस पॉइंट्स पे पूरा उतरे तो डिपेंड फिर अच्छे रेट इसके मिल जाते हैं। सही सही, माशाल्लाह। इसका पेयर कितने का है? ये तकरीबन 80,000, 70 से 80,000 रुपये का पेयर है। सही, और इसके बच्चे? बच्चे जो हैं 30,000-35,000। अच्छा, कितने महीने के? 2 महीने के बच्चे। मैं तो 2 महीने से पहले के बच्चे नहीं सेल करता, क्योंकि वो मदर फीड प्रॉपर नहीं लिए हुए होते उससे छोटे बच्चे, तो फिर वो एक्सपायर होते हैं। ठीक है। अच्छा, ये क्या यासिर भाई, इसके बारे में बताएं? ये इंग्लिश अंगोरा का मेल है। अच्छा, ये जिसकी ज़रा अच्छी हो गई है, कान डाउन हो गए तो लॉप लग रहा होता है, बट है ये इंग्लिश अंगोरा मेल। अच्छा, और क्वालिटी आपके सामने, बट एज इसकी ज़रा ज़्यादा हो गई है।
इंग्लिश अंगूरा है जी। सही। और इसके साथ फीमेल कौन सी है? ये फीमेल जो है वो जाइंट अंगूरा की फीमेल इसके साथ लगाई है म्यूटेशन बनाने के लिए। तो इससे जो बच्चे आते हैं वो क्रॉस लॉइन हेड होते हैं, जो इंग्लिश के म्यूटेशन होती है वो बड़े प्यारे बच्चे आते हैं जिनके फेस ढके हुए होते हैं। सही ठीक है। इसकी क्या आजकल रेट चल रहा है इसके? ये आजकल तो थोड़े कम हो गए, लाख के अंदर अंदर हो गए हैं पेयर, वरना तो ये बहुत ऊपर चला गया था। अच्छा, मैं देख रहा हूँ ये आपने जाली नुमा ये रखा हुआ है, कैसे ये क्या चीज़ है? इसमें घास जलती है बेसिकली, वो एक गधा घास जो आती है इनके लिए बड़ी अच्छी होती है। अच्छा, वो जलती है, वो मैं आगे दिखाऊंगा किसी में मौजूद होगी तो। सही, तो सही। वो इसमें तो वो खाते हैं, वो बारीक होती है, नीचे गिर जाती है तो उसके लिए बास्केट्स बनाइए ताकि इसमें वो डाल देते हैं तो वो ये खाते रहते हैं। सही। अच्छा, ख़राब नहीं होती? जैसे ख़राब नहीं होती। ठीक। ये देखिए व्यूअर्स, ये माशाल्लाह से जो है वो आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये जो बास्केट इन्होंने लगाई है इसमें देखें घास इस तरीके से रखते हैं इन्होंने जो है वो गधा घास रखी हुई है। ये खाने के लिए है ना इनके? जी, ये खाने के लिए निकाल निकाल के खाते रहते हैं ये। सही। लोग फिंचेस में इनकी बिल्डिंग नेस्टिंग के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, मगर ये खाने में भी बहुत अच्छी होती है। सही। अच्छा, ये कौन सा है रैबिट? ये ब्लैक एंड टैन है, फीमेल है जी। हाँ, ब्रीडर फीमेल है, ब्लैक एंड टैन। ये आप देखें रॉटवाइलर जो डॉग होता है। जी रॉटवाइलर, बिल्कुल सेम ऑलमोस्ट उस जैसा इसका रंग है, नीचे ब्राउन ऊपर ब्लैक। अच्छा, ये बड़ी प्यारी ब्रीड है, सब बेल्जियम से इंपोर्ट हुई थी अल्हम्दुलिल्लाह। सही। तो अब ये फीमेल, इसका मेल कहाँ है? मेल इसका मैं बस दूसरी जगह पे रखा हुआ, दूसरे केज में। फीमेल प्रेग्नेंट है ये? जी, ये मैट हो गई है। अच्छा, सही, ठीक है। अच्छा, प्रेग्नेंट जो फीमेल होती है तो जब मेल के साथ छोड़ते हैं तो कितने दिन छोड़ते हैं उसको? जब अगर मैटिंग हो जाए तो फिर 5-6 दिन साथ छोड़ देते हैं ताकि अगर उस वक्त कंसीव ना किया हो तो रिकनसीव कर ले दोबारा मैटिंग में। अच्छा, सही है। और कितने टाइम के बाद अलग कर देते हैं मैटिंग के? 5-6 दिन बाद अलग कर देते हैं। 5-6 दिन बाद अलग कर, फिर वो खुद ही बर्थ कर देगी बच्चों को? जी, वो 30 डेज में फिर उसका गेस्टेशन पीरियड होता है। 30 डेज का? जी सही, 30 डेज के बाद बच्चे आ जाते हैं। और अकेले पालती है फीमेल? जी बिल्कुल। सही। अगर मेल भी अगर साथ हो तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होता? नहीं, अगर स्पेस बड़ा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोगों को कॉन्सेप्ट है कि जी मेल प्रॉब्लम करता है, खा जाता है बच्चे, ऐसा कुछ नहीं है। जगह तंग होती है तो प्रॉब्लम आएगी। सही। और वो भी कुछ वो खुद नहीं करेगा, बट जाहिर सी बात है उसको स्पेस नहीं मिल रहा तो वो बच्चे इंजर्ड होते हैं फिर उससे। सही, सही, ठीक। अच्छा, ये कौन सी ब्रीड है? ये लॉयन हेड लॉ फीमेल है और इसने नेस्टिंग की हुई है। आप देखेंगे ये अभी कुछ एक आध दिन में बर्थ करने वाली है। तो इसने अपना, इसको घास डाली थी तो ये घास जो गधा घास है इस वक्त इसने नेस्टिंग के तौर पे भी यूज़ की हुई है। उसके ऊपर अपने आप देखें चेस्ट के बाल बिछाए हुए, एक सॉफ्ट गद्दा बनाया है बिल्कुल बच्चों के लिए। जी, बच्चों के लिए। देन ये डिलीवर करेगी बच्चे। अच्छा, तो कितना टाइम है अभी इसमें? देखें, ये अलग अलग बिहेवियर होता है हर फीमेल का, कोई एक दिन पहले करती है, कोई 2-3 दिन पहले कर लेती है। अच्छा। ठीक है ना, तो ये इसने कल किया है तो होपफुली आज या कल में इसने बर्थ करनी है। अच्छा यासिर भाई, जैसा कि आप लोगों को पता है कि यहाँ पे कराची में भी आजकल बहुत गर्मी हो रही है। जी, ठीक है। और माशाल्लाह कराची में आपका सेटअप है, तो इस गर्मी में ब्रीडिंग के हवाले से या इनको कीपिंग के हवाले से कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती रैबिट्स? नहीं, अलहमदुलिल्लाह, क्योंकि सारी इंपोर्टेड ब्रीड है आपके पास। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। आप देख रहे हैं कि ये नेस्ट भी बना रही है एक। अच्छा, कितने टेम्परेचर तक ये सर्वाइव कर जाते हैं? 40+ पे भी सर्वाइव करते हैं, 45-46 पे भी सर्वाइव करते हैं। अच्छा, बस वेंटिलेशन होनी चाहिए। आप देखेंगे, आपने अगर मेरे फार्म को देखा तो इसमें फार्म दिखाओ जरा। जी, इसमें आप देखेंगे वेंटिलेशन मैंने रखा है, गर्मी नहीं मारती है, मारता है हब्स। जहाँ वेंटिलेट नहीं होगी, हवा नहीं हो, एग्जॉस्ट नहीं होगा तो वहाँ आपको प्रॉब्लम होगा। जहाँ आप नहीं खड़े हो सकते वहाँ जानवर भी नहीं खड़ा हो सकता। अच्छा, सही सही, बिल्कुल। मतलब हवा की आमद रफ्त होनी चाहिए। जी, हवा की आमद, एक जगह से हवा आए दूसरी जगह से इन आउट हो जाए तो बस वो बहुत आसान है। और फिर थोड़ी बहुत एहतियात कर लें जो मैं आप हम लोग भी गर्मी में करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ठंडी खुराक इस्तेमाल करते हैं तो वो आप रैबिट्स के साथ कराएं, वो कोई मसला नहीं है। सही। अच्छा, रैबिट को ठंडी खुराक के हवाले से अगर बात करें तो क्या देते हैं आप? देखें, एक तो घास देते हैं सूखा सूखा घास, लूसन वगैरह नहीं दिया जाता। दूसरा ये है कि इनको जवार डाल देते हैं हम। जवार, जई जिसको बोलते हैं। जई और जवार अलग चीज़ है, जई और जवार अलग अलग चीज़ें हैं। ये जवार और जई में लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। अच्छा, जई जो है वो थोड़ा बारीक होता है, जवार हार्ड फॉर्म में होता है। तो जई ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ मैं, कि जई आसान होता है खाना। ये तोते भी खाते हैं आपके? तोतों में बहुत इस्तेमाल होती है। बिल्कुल बिल्कुल, जई इस्तेमाल करते हैं। और ये बहुत ठंडी होती है, ठंडा होता है ये। जौ बोलते हैं इसको? जौ इस डिफरेंट चीज़ है। जौ इससे हार्ट फॉर्म में होता है, जौ अलग है, जौ जई अलग, दोनों अलग अलग हैं। जौ इस तरह नहीं होता, वो और थोड़ा सा हार्ड होता है। अच्छा, वो गंदम की शक्ल में होता है। अच्छा, ये मिलता कहाँ से? ये आम दुकानों से, जानवरों की जहाँ
डाइट मिलती है वहीं से मिलता है ये। अच्छा, ये जानवर बकरे वगैरह के? जी जी, ये बकरे यहाँ तोतों की फीड मिलती है वहाँ। अच्छा, क्या मतलब कॉस्ट क्या है इसकी किलो की? केजी ये 80 रुपए किलो है। 80 रुपए किलो? हाँ, मतलब इतना महंगा नहीं है। महंगा नहीं है, 50 किलो की फीड में 10 किलो डलता है सिर्फ। अच्छा, हाँ, तो वो महंगा नहीं है। तो इसके अलावा क्या ठंडी चीज देते हैं? इसके अलावा मैं हरा धनिया देता हूँ। हरा धनिया जी, पुदीना देता हूँ। सही है। अच्छा, क्या रूटीन में देते हैं? डेली कभी खरबूजा डाल दिया, कभी हरा धनिया डाल दिया। अच्छा। सरसों का तेल मैं अपनी डाइट में इसको इनको इस्तेमाल कराता हूँ। सरसों का तेल किस तरीके से, कैसे? फीड के अंदर इनके वनडे में मिला दिया जाता है। अच्छा, फीड के अंदर। अगर जैसे मिसाल के तौर पे 50 किलो की फीड है तो कितना उसमें सरसों का तेल? देखिए, 50 किलो फीड है ना, तो मैंने काउंट करना है मेरे पास रैबिट्स कितने हैं। सही है। अगर मैं पर डे 2 किलो फीड, अगर मेरे 50 रैबिट खा रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो मैंने 50 ml डाल देना उसमें। 50 ml, यानी पर रैबिट 1 ml के हिसाब से मैंने उसमें डाल दिया। सही है। अगर किसी के पास एक पेयर भी है, 1 kg वो लेके आया है। हाँ, अच्छा, तो डेली डालना पड़ता है? डाल के रख दो, एक हफ्ता डालें, एक हफ्ता ना डालें, ऑन टाइम उसी वक्त डाल दें ना, फ्रेश। अच्छा, फ्रेश आपने वंडा दे रहे हैं उस वक्त, आपने थोड़ा सा उस पर टपकाया, मिक्स किया, दे दिया। सही सही, बिल्कुल जबरदस्त। अच्छा, ये गर्मी में ये चीज़ें इस्तेमाल होती हैं? बहुत ज़्यादा फायदेमंद है इसमें। गर्मी में इनका फर अच्छा होगा। अच्छा, ब्रीड करेंगे क्योंकि आपको पता है ऑयल के अंदर विटामिन ई होता है। बिल्कुल, सर, गर्मी तो और अच्छा होता है। गर्मी में स्किन के प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे, ठंडे रहेंगे और ब्रीड भी आएगी। सबसे बड़ी बात जो गर्मी में ब्रीड लेने की ट्रिक है, उसमें एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रिक ये है कि आप सरसों का तेल इस्तेमाल करें। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, बेहतरीन, ज़बरदस्त। अच्छा, ये कौन सी ब्रीड है रैबिट में? ये फ्रेंच लॉब फीमेल है। अच्छा, फ्रेंच लॉब फीमेल है ये? जी, लॉब की फ्रेंच लॉब है ये, बड़े साइज में होते हैं, आप देखें अगर। अच्छा, माशाल्लाह, हेड भी गोल है इनका। सही, जबरदस्त। ठीक है, इसका वेट कितना होगा इस वक्त? तकरीबन 3.5 kg की इस वक्त है। 3.5 kg? जी। अच्छा, माशाल्लाह। अच्छा, ये प्रेगनेंट है फीमेल ये? जी, ये मैट हो गई है, प्रेगनेंट है। सही सही, ठीक है। और वो जो आप रखते हैं इसके लिए, वो कब रखेंगे बच्चों के लिए, जो बच्चे लेने के लिए? 8 से 10 दिन पहले मैं रख देता हूँ, उसके बाद वो नेस्टिंग करना शुरू करते हैं। थोड़ी गर्मी है, दैट्स व्हाई मैं अभी नहीं रख रहा। सही, बट 8-10 दिन पहले मैं रख दूंगा, तो वो डेट होती है मेरे पास सबकी। अच्छा, कब किसने मैट किया है। सही सही, तो 8-10 दिन के डिफरेंस से रख देते हैं ताकि वो फिर उस पर नेस्ट बना लें। ठीक ठीक। अच्छा, ये कौन सा लॉयन हेड है? जी, ये लॉयन हेड मेल है। अच्छा, ये मेरी होम ब्रीड है, यहीं पैदा हुआ था माशाल्लाह। अच्छा, माशाल्लाह, जबरदस्त। अच्छा, घर का बच्चा है ये? घर का बच्चा है। अच्छा, सही। तो इसके लिए कोई फीमेल आपने नहीं रखी इसके साथ? ये फीमेल स्टार्ट के ही काम आता है, दूसरी फीमेल्स के लिए अब काम आता है ये। अच्छा, इसके बच्चे अब आते जा रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है, जिन फीमेल से ये लग रहे हैं। अच्छा, क्वालिटी बहुत अच्छी है इसकी, आप देख सकते हैं। बिल्कुल माशाल्लाह। फेस अगर ये ज़रा दिखाए, अपना चेहरा दिखा बेटा। अच्छा, ये देखें माशाल्लाह से भाई, बेहतरीन फेस भी देखें इसका, ज़बरदस्त, क्या बात है माशाल्लाह। अच्छा, तो इसकी अगर हम प्राइस की बात करें, तो इसका पेयर इसी तरह की अगर फीमेल हो तो कितने तक होगा ये? ये तकरीबन फिर 80,000 रुपये के दरमियान हो। 80,000 के दरमियान, ठीक है ठीक है, ज़बरदस्त। अच्छा यासिर भाई, ये बताएँ कि केजिस जो हैं वो एक पेयर के लिए, ब्रीडर पेयर अगर हो हमारे पास, तो उसके लिए केजिस कितना मतलब रिक्वायर्ड है कि एक स्टैंडर्ड साइज़ का केज हो और उसमें वो ब्रीड भी आसानी से कर लें और बच्चे भी आसानी से फीड भी करवाएं फीमेल? मिनिमम तो, एक रैबिट के लिए 2.5x2 होने चाहिए। 2.5x2 मिनिमम। अच्छा, सही, जिसमें सही रहते हैं, सही रहते हैं, भी छोटे में रख लें, बट फीमेल के लिए इतना होना चाहिए ताकि उसमें बॉक्स लग सके। ठीक है, उसमें वो थोड़ा मूव कर सके, फीड करा सके। मेल को आप फिर भी 2x2 में रख सकते हैं। सही, बट 2.5x2 फीमेल उस वक्त यूज़ होगा जब उसको ब्रीड करनी है, उसमें इतना स्पेस तो हो ना कि आप एक बॉक्स रखें, देन वो मूव भी तो कर सके फिर। ठीक है। अच्छा, बॉक्स की बात करें तो ये देखें भाई, माशाल्लाह इन्होंने ये बॉक्स रखा हुआ है, तो ये आप लोगों के लिए जो है वो देखें, एक इसी तरह का आप बॉक्स रख सकते हैं। ब्रीडर फीमेल अगर आपके पास हो, पेयर हो, तो फीमेल उसमें बच्चे देती है, तो इस तरह का बनवा के आप रख सकते हैं। ठीक है, इसका साइज़ क्या है बॉक्स का? ये तकरीबन 15 इंच ऊंचा है। अच्छा, और चौड़ाई में ये 12 इंच है। सही है, और डेप्थ इसकी 17 है। अच्छा, ये भी मुश्किल है, तो आप फ्रूट की प्लास्टिक वाली पेटी रख दें। ये देखें भाई सामने, वो हाँ वो मिसाल वो देखें, उसमें 100 भी दिया है। अच्छा, मिसाल है आपके सामने। ठीक है, अच्छा, इसमें ब्रीड कर लेंगे ये? जी, इसमें भी कर। ये जो अंदर सो रही है, बड़ी है फीमेल? ये ब्रीडर फीमेल है। अच्छा, माशाल्लाह। अच्छा, ये कौन सी ब्रीड है आपके पास? ये बेल्जियम हेयर ड्रॉफ हैं।
छोटी ब्रीड है ये। सही। ये तमाम अल्लाह का शुक्र है बिक गए थे, तो एक फीमेल थी वो बच्चे दे चुकी थी तो इसलिए रोक लिया, फिर मैंने इसको बेचा नहीं। सब इसके माशाल्लाह बच्चे बड़े हो रहे हैं। सही माशाल्लाह। ये कितने बच्चे हैं अभी इसके? ये तीन है। तीन बच्चे हैं। एज क्या इनकी? ये तकरीबन 12-13 दिन के हैं। 12-13 दिन। ठीक है। तो अभी इसकी क्या कॉस्ट है पेयर की? ये 50,000 रुपये पेयर है। 50,000 जी ब्रीडर। और बच्चे कितने के बिकते हैं इसके? बच्चे इनके 20,000-25,000 रुपये के दरमियान। ओके व्यूअर्स, इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो में आपको सारे रैबिट्स कवर करके दिखाए, जितनी इनके पास म्यूटेशन थी इंपोर्टेड रैबिट्स की वो आपको दिखाए, किस तरीके से आप रख सकते हैं, कौन सा वेदर इनके लिए सुइटेबल है और क्या क्या ये खाते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको दिखा दी है। एक आखिरी चीज़ आपको दिखाएँगे, लाहौरी नमक जो बर्ड्स को डालते हैं वो रैबिट को भी डालते हैं हाजमे के लिए। ठीक है, ये देखें हर रैबिट के केज में आपको एक लाहौरी नमक का जो है टुकड़ा मिलेगा। ठीक है, छोटा सा ये पड़ा रहता है 24 घंटे इनके साथ। इसको लिख कर लेते हैं जब भी इनको जब ये चाहते हैं लिख कर लेते हैं। ठीक है, लिख कर लेते हैं तो मतलब ये है कि हाजमा हो जाता है इनका। जी हाँ, डाइजेस्ट सिस्टम अच्छा रहता है। सही ठीक है। तो ओके व्यूअर्स, इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और बजीज स्पेरर ट्रेडर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे आप लोगों के लिए वीडियोस लाते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। फी अमानिल्लाह।